वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेंटिंग पाठशाला। वेलकम बैक। आज मैं फिर आपके लिए एक लेके आई हूँ प्लेट का आइडिया, डेकोरेटिव प्लेट। मैं इससे पहले भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ मंडला आर्ट का, जिसको मैंने बेकार प्लेट को रीयूज़ किया था और एक डेकोरेटिव आइटम, एक डेकोरेटिव वॉल डेकोर बनाया था। ऐसे ही मैं आज आपके लिए फिर से ये लाई हूँ प्लेट वाला आइडिया, कि एक और प्लेट जो ये मेरी ख़राब हो चुकी थी तो इसको मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर लिया है। जो मैंने लास्ट वीडियो डाला हुआ था उसमें मैंने वाइट बेस रखा था, वाइट बेस पे ब्लैक मार्कर से मंडला की हुई थी, बट इस बार मैंने उसको उससे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। इस बार मैंने ब्लैक बेस रखा है और मैं वाइट एक्रिलिक मार्कर का यूज़ करूँगी इसके लिए, और इसका वाइट बेस पे पूरा ब्लैक बेस पे पूरा वाइट कलर का रहेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे पहले हम इसमें लाइनिंग कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे ब्लैक को, पहले ब्लैक बेस करने के बाद इसको अच्छे से ड्राई होने के बाद इसमें लाइनिंग कर लेंगे, और फिर मार्कर से हम इसमें धीरे 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 करके इसमें वन बाय वन इसकी लेयर्स को करते जाएंगे। आप इस तरह को इसको इसमें और भी जैसे और भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, इसमें मिरर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सेरेमिक कोन से भी आप इसको बना सकते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसको कर सकते हैं। पर लास्ट प्लेट जो थी वो मेरी इसी तरह की थी, तो मुझे कुछ उसी से सिमिलर चाहिए था, क्योंकि मुझे मेरे एक विंडो पे मैंने इसको रखा हुआ था तो मेरी दूसरी विंडो थोड़ी खाली थी, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा सिमिलर बनाते हैं तो जो दोनों के लिए एक जैसा हो जाए। तो सिर्फ मैंने उसी तरह से इस प्लेट को भी बनाया, बट उसमें सिर्फ मैंने वाइट बेस पे रखा था, इसमें ब्लैक बेस पे रखा है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। आप देख सकते हैं, आप जिन्होंने मेरा फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा हो तो वो मेरे चैनल पे जाके फर्स्ट प्लेट वाला भी वीडियो देख सकते हैं। और आप इसको ऐसे देखिए, इस तरह से धीरे 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 आउटलाइन करके इसमें धीरे धीरे लाइनिंग, या फिर कोई भी पैटर्न, आप जो भी पैटर्न आपको ईजी लगे आप वो पैटर्न इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम तो लगता ही है, देखिए कोई भी चीज़ आप करते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, और इसमें डिटेलिंग होती है तो टाइम लगना तो है ही, और छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो उसमें भी आपको टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि फाइनली इसका लुक बहुत अच्छा आता है। और इसमें कोई भी कॉस्टिंग नहीं है, कलर्स मेरे पास थे ही, मार्कर भी है मेरे पास था ही, तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जो है मुझे नहीं लेना पड़ा है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जीरो कॉस्टिंग है मेरे लिए, जीरो कॉस्टिंग है। बस मैंने जो इसमें थोड़ी मेरी मेहनत लगी है, बस थोड़ा मुझे मेरा जो टाइम लगा है बस वही है। तो आप बेकार, घर में बहुत सारी प्लेटें ऐसे होती हैं जो कि यूज़ नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ क्रैक आ जाता है या फिर उसकी शाइन चली जाती है, तो उस तरह से आप इस तरह से उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं, और कुछ भी आइटम, डेकोर आइटम, वॉल डेकोर या कुछ भी, इस तरह से आप उन्हें यूज़ करके एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। और इस तरह से ये प्लास्टिक का भी कहीं ना कहीं आपका रीयूज़ हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगी एक तरीके से आपका। तो ये मेरा फाइनली अब बस थोड़ा सा ही लास्ट है, ये बस बनके रेडी हो चुका है। और अगर आपको अगर पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही आप आगे के लिए देखते रहिए। मैं वेस्ट चीज़ों का यूज़ करूँगी कि हाँ उससे क्या हम कुछ अच्छा यूज़फुल बना सकते हैं। ये देखिए मेरी बनके रेडी हो चुकी है, और इसमें मैं एक सेंटर में एक मिरर लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वाली प्लेट में भी सिर्फ एक सेंटर में एक राउंड मिरर का यूज़ किया था बस, तो सेम इसी तरह मैं इसमें भी वही कर रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने, और वार्निशिंग के लिए मैंने एकदम सस्ता टिकाऊ मेथड निकाला है। ये मेरा ट्रांसपेरेंट नेल पेंट था, तो इसका मैंने यूज़ किया है, तो वार्निश अभी मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने इसका यूज़ किया है। तो आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का भी एज अ वार्निश का यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए बन के रेडी हो चुके हैं, आप बताइएगा, प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको ये कैसा लगा। और ये वाली देखिए मेरी लास्ट प्लेट थी जो मैंने पहले बनाई थी, ये वाइट बैकग्राउंड पे है, और अभी जो मैंने बनाई है
ये ब्लैक बैकग्राउंड पे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।